लास्ट हम कर चुके थे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड दो टाइप के क्वेश्चंस कर चुके थे. आज हम करने वाले हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. ऑल्दो सारे क्वेश्चंस काफी इजी हैं बट स्टिल विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404. 96 एंड 404 का एचसीएफ निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. 96 एंड 404 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको पता है इस तरीके से हम यूज करते हैं. 2 24 2 12 2 6 2 3 3 1. तो 96 को जब मैं फैक्टराइज कर रही हूँ प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 2 raised to power 5 into 3 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई. अब अगर हम 404 को करें तो ये बन जाएगा 202 अगेन 101 इज अ प्राइम नंबर तो 404 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 raised to power 2 into 101 क्योंकि 101 इज अ प्राइम नंबर इसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. तो पूछा क्या है फाइंड देयर एचसीएफ एंड LCM. चलिए तो HCF और LCM निकालना है. HCF निकालने का तरीका अगर आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर चुके हो तो HCF में आप हमेशा पहले तो कॉमन नंबर देखते हैं जो दोनों में होगा वही HCF आएगा. जो दोनों में होगा वही HCF होगा. यहाँ पे 3 है पर यहाँ पे 3 नहीं है तो HCF में 3 काउंट नहीं होगा. यहाँ पे 101 है पर यहाँ पे नहीं है तो 101 काउंट नहीं होगा. तो हम सिर्फ 2 रेस्ट पर 5 और 2 रेस्ट पर 2 को कंसिडर करेंगे. अब दोनों में से कौन सा करना है जो स्मॉलेस्ट है. सबसे पहली बात कॉमन होना चाहिए और स्मॉलेस्ट होना चाहिए. तो स्मॉलेस्ट इज 2 रेस्ट पर 2 द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 इज 2 रेस्ट पर 2 व्हिच इज 4. नाउ एलसीएम आप एलसीएम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं. कैसे एलसीएम निकालने के लिए हमेशा आप याद रखेंगे आपको कॉमन में से अगर मैं कॉमन की बात करूं कॉमन में से ग्रेटेस्ट वाला लेना है और जो कॉमन नहीं है वो भी कंसिडर करना है. एचसीएफ में हम क्या कर रहे थे जो कॉमन नहीं था वो स्किप कर रहे थे बट इन केस ऑफ एलसीएम आपको कॉमन वाला जो कॉमन नहीं है वो भी लेना है और जो कॉमन है वो ग्रेटेस्ट. 2 रेस्ट पर 5 और 2 रेस्ट पर 2 पहले आपने कॉमन ढूंढ लिया. 2 और 2 दोनों में है 2 की पावर 5 2 की पावर 2 आप कौन सा लेंगे 2 की पावर 5 इनटू 2 की पावर फिर आप 2 नहीं लेंगे क्योंकि आप 2 की पावर 5 ले चुके हैं. 3 क्योंकि कॉमन नहीं है पर वो भी आएगा. 101 कॉमन नहीं है पर वो भी आएगा. तो एलसीएम ऑफ 202 404 एंड 96 इज 969 6. तो ये आ गया आपका. और दूसरा तरीका क्या है इसको करने का बड़ा सिंपल सा मेथड है. HCF into LCM लास्ट हमने फॉर्मूला किया था इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. कौन से नंबर्स वो दो नंबर जिनका आप LCM और HCF निकाल रहे हैं. HCF आया इसका 4 जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे. LCM आपको कैलकुलेट करना है. ये फर्स्ट मेथड था ये सेकंड मेथड है. LCM आपको कैलकुलेट करना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. टू नंबर्स पर 96 इनटू 404 आप बड़े इजीली LCM निकाल सकते हैं. कैसे 96 इनटू 404 ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर डिवाइड हो जाएगा तो 96 इनटू 101 इज नथिंग बट 9696. तो आप किसी भी मेथड से अगर आपके पास HCF है दो नंबर्स का और दो नंबर्स भी पता है तो आप बड़े इजीली उनका LCM निकाल सकते हैं. चलिए अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे. फाइंड द HCF ऑफ 300 548 90 300 548 90 का आपको HCF निकालना है बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. सेकंड क्वेश्चन कहता है फाइंड HCF ऑफ दीज नंबर्स by using Euclid's division lemma. ये अब ध्यान से देखेंगे क्या करेंगे. Euclid division lemma हमेशा पहले दो नंबर्स पे अप्लाई होता है. तीन नंबर्स है मैं लास्ट टाइम आपको बता चुकी थी कैसे करना है. अभी आप देख लेंगे जल्दी से.
540 is greater than 300, so we will apply Euclid division lemma, को मैं शॉर्ट में EDL लिख रही हूँ, on 540 and 300. कैसे? Greater number divisor dividend बन जाता है, smaller number divisor बन जाता है into 300 into 1 plus 240. ये बन गया हमारा remainder is 240. Now remainder is not equal to 0, therefore we will apply, किस पे अप्लाई करेंगे अब यूक्लिड डिवीजन लेमा, आपको याद होगा डिवाइजर और रिमाइंडर पे, वी विल अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन 300 एंड 240. आपको ये स्टेप्स याद रखने हैं, 300 बन जाएगा डिविडेंड और 240 बन जाएगा डिवाइजर. बड़े फिक्स्ड स्टेप्स हैं, आपको हर बार वही लिखने हैं. 240 इनटू 1 प्लस 60 300 बन गया. अगेन दिस इज आवर रिमाइंडर, अगेन आपको ये लाइन लिखनी है. नाउ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर वी विल अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन, किस पे करेंगे, जो हमारा डिवाइजर था और जो हमारा रिमाइंडर था उस पे हम अगेन यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करेंगे. हमारा डिवाइजर था 240 और हमारा रिमाइंडर था 60. चलिए 240 is equals to 60 into 4 plus 0. अब remainder, now remainder is equal to 0. Therefore, HCF, जैसे ही आपका remainder 0 आ गया, वैसे ही आपका divisor आपका HCF बन जाता है. Therefore, HCF of किसका? 540 and 300 is 60. अब ध्यान रखना, यहाँ पे अगर दो नंबर्स होते तो हमारा आंसर यहीं पे खत्म हो जाता. बट क्या आपके पास दो नंबर्स हैं या तीन नंबर्स हैं? आपके पास तो एक और नंबर है, तो आपने क्या करना है, जो दो नंबर्स का HCF आया है आपने उस नंबर के HCF को तीसरे के साथ सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है. अगेन ये कंसिडर करके कि अब आपसे पूछा है फाइंड HCF ऑफ 60 एंड 890. पहले दो नंबर का HCF को आप एक नंबर कंसिडर करेंगे और उसका HCF निकालेंगे विद थर्ड नंबर. नाउ 890 इज ग्रेटर देन 60, देयरफॉर वी विल अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ऑन 890 एंड 60 पे यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करते हैं, तो ये बन जाएगा 890 इज इक्वल्स टू 16 इनटू 14 प्लस 50. अब यूक्लिड डिवीजन लेमा, अगेन रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, तो आप यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करोगे ऑन 60 एंड 50, जो रिमाइंडर बचा और जो डिवाइजर था. तो 60 इज इक्वल्स टू 50 इनटू 1 प्लस 10. अब अगेन रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, तब तक चलते जाना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता. अब आप यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करोगे रिमाइंडर और डिवाइजर पे 50 एंड 10. 50 इज इक्वल्स टू 10 इनटू 5 प्लस 0. अब रिमाइंडर आ गया 0, तो ये आपका बन जाएगा देयरफॉर HCF ऑफ 300, 540 एंड 890 इज 10. आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और स्टेप्स याद रखने हैं. चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप ये नोट डाउन कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 336 एंड 54 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करनी है, मैं आपको इसके फैक्टर्स बता देती हूँ. क्वेश्चन नंबर थर्ड, 336 की जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब हमेशा जिस भी नंबर से डिवाइड करोगे वो प्राइम नंबर होने चाहिए. तो 336 की प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2^4 इनटू 3^1 इनटू 7^1. दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 336.
एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 54 इज, 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप करोगे तो वो आएगी 3 raised to power 3 इंटू 2 raised to power 1 या 2 raised to power 1 इंटू 3 raised to power 3। यही पूछा है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 336 एंड 54 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एंड फाइंड देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। अगेन बड़ा सिंपल सा मेथड है। एचसीएफ में आप हमेशा कॉमन नंबर्स देखते हैं, कॉमन कौन कौन से हैं, 2 हाँ जी दोनों में है, 3 हाँ जी दोनों में है, तो 7 एचसीएफ में नहीं आएगा। अब कॉमन में से भी बड़ा वाला या छोटा वाला, छोटा वाला फैक्टर, तो 3 raised to power 1, तो इसका एचसीएफ हो गया 6। और एलसीएम अगेन दो तरीके हैं, या तो इसी में से निकाल लेंगे या आप निकाल लेंगे कैसे, बाय एलसीएम इनटू एचसीएफ इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम में से आप कॉमन जो है उसमें से बड़ा वाला नंबर लेंगे। कॉमन क्या है, 2 और 2 दोनों में है पर बड़ा लेंगे, 2 raised to power 4। अगेन 3 और 3 कॉमन है, बड़ा वाला लेंगे। जो कॉमन नहीं है वो भी आप कंसिडर करेंगे। ये मतलब होता है एचसीएफ में सिर्फ आप कॉमन वाला लेते हैं और कॉमन में से भी छोटे वाला लेते हैं, पर एलसीएम में आप दोनों नंबर्स कंसिडर करते हैं। मल्टीप्लाई करके दिस विल बिकम 3024। चलिए अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, कहता कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर जो है, इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं। आपको लास्ट टाइम भी फर्स्ट वीडियो में शायद हमने ये किया था इंट्रोडक्शन टू नंबर्स, तो इंटीजर्स आर इवन पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। पर कह रहा है पॉजिटिव इवन इंटीजर जो होगा वो हमेशा 2 क्योंकि फॉर्म का होगा। ठीक है जी, देख लेते हैं। एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, और हर एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो फॉर्म का होगा 2q+1, वेयर q इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, वेयर q इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। चलिए जी शुरू करते हैं, या q कोई भी इंटीजर होगा, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपको ये देख के समझ आ रहा होगा अगर मैं आपको लिख के दूं 2q+1, आपको कुछ, आपने ऐसा कुछ कभी पढ़ा है? हाँ जी बिल्कुल पढ़ा है। क्या हमने पढ़ा था, BQ+R, ये जो प्लस वन है इट इज नथिंग बट रिमाइंडर, ये जो 2 है इट इज नथिंग बट डिवाइजर, ये Q तो इज कोशेंट। इसका मतलब अगर कोई नंबर A है जो इस फॉर्म का होगा तो ये नंबर भी तो किसी के बराबर ही होता होगा। लेट्स से हम ले लेते हैं एनी इंटीजर, A can be written as, किस तरीके से आप किसी भी इंटीजर को लिख सकते हैं, written as BQ+R, हम ऐसे लिख सकते हैं A is equals to BQ+R, Euclidean division lemma हमने पढ़ा है, any integer A can be written as, किस तरीके से लिख सकते हैं, 2Q+R की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूं तो हमने और क्या पढ़ा था इसके बारे में, एनी इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ए इज इक्वल्स टू BQ+R, वेयर दिस इज आर रिमाइंडर, जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के। सबसे पहली बात, जब भी आप किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर के बारे में क्या बता सकते हो, पहली चीज रिमाइंडर हमेशा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, पर 0 से कितना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा कि रिमाइंडर हमेशा b से छोटा ही रहेगा, b इज नथिंग बट डिवाइजर। आपको याद होगा रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर के बराबर नहीं हो सकता, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा ही होता है। अब आप इसको कंपेयर करेंगे इस क्वेश्चन से, आपको क्या बोला गया है, b क्या लेना है आपको, 2 लेना है। नाउ इफ b इज इक्वल्स टू 2, अगर b 2 है, b मतलब डिवाइजर 2 है, तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, सोच के बताएंगे। रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, अगर डिवाइजर 2 है तो
रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर या तो जीरो आ सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है रिमाइंडर जीरो आना, या रिमाइंडर वन आ सकता है, क्या रिमाइंडर टू आ सकता है? अगर रिमाइंडर टू आया तो वो किसके बराबर हो जाएगा? डिवाइजर के। क्या ये कभी भी पॉसिबल है कि रिमाइंडर डिवाइजर के इक्वल हो जाए? बिल्कुल भी नहीं। तो आपको हमेशा कंपेयर करना है अपनी इस इक्वेशन को, ये जो आपके पास यूक्लिड डिवीजन, इससे हमेशा आपको कंपेयर करना है a is equals to bq plus r। तो यहाँ पे b की जगह क्या आ गया? 2 आ गया। चलिए देखते हैं केस वन। पहला केस, जब आपका रिमाइंडर इक्वल टू जीरो है, यहाँ पे रिमाइंडर को जीरो पुट करते हैं एंड b is equals to 2। चलिए तो आपका a क्या बन जाएगा? रिमाइंडर जीरो है, b 2 है, तो आपका a बन जाएगा, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूं b की जगह 2, ये बन जाएगा 2q। अब ध्यान से देखेंगे, आपने ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब से हमने इवन ऑड का कंसेप्ट पढ़ा है, कोई भी नंबर जब 2 से मल्टीप्लाई होता है हमेशा इवन बनता है। मैं लिख भी रही हूं, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय विद 2, एनी नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड विद 2, जब भी कोई नंबर 2 से मल्टीप्लाई होता है इट बिकम्स पॉजिटिव, ये हमेशा, सॉरी, इट बिकम्स इवन, हमेशा इवन बन जाता है। इसका मतलब क्यों चाहे कोई मर्जी नंबर हो, होगा तो इंटीजर ही, कोई मर्जी इंटीजर हो, हमेशा जो 2q है वो हमेशा इवन ही आएगा। नाउ q व्हेन मल्टीप्लाइड विद 2 बिकम्स इवन, इवन बन जाता है, देयरफोर 2q इज इवन। ठीक है, पहला केस जब 2q इवन आ गया। अब क्यों मैं केस बना रही हूं? क्योंकि आपके पास रिमाइंडर का सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, रिमाइंडर के दो ऑप्शंस हैं। ध्यान से देखेंगे, मैं ये कह रही हूं b इज इक्वल्स टू 2 एंड रिमाइंडर क्या-क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। चलिए पुट करते हैं, किसमें पुट करते हैं? इसमें पुट करते हैं, a is equals to bq plus r। तो क्या क्या हो सकता है? a की वैल्यू आ सकती है, b is nothing but 2, 2q plus r is 0, तो पहले केस में a बन गया 2q। अगेन अगर मैं रिमाइंडर की वैल्यू 1 पुट करूं, जरूरी थोड़ी ना है रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, 1 भी आ सकता है, तो ये क्या बन जाएगा? 2q plus 1, तो 2q plus 1 तो फर्दर सॉल्व नहीं होता। इसका मतलब जब भी आप कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन करेंगे, आपको ध्यान रखना है आप b क्या ले रहे हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रिमाइंडर्स क्या कैलकुलेट हो रहे हैं। सपोज अगर मैं कहूं कि आपका एक एग्जांपल है, अगर मैं कहूं b की वैल्यू 3 है, तो सोच के बताओ रिमाइंडर क्या क्या होगा। रिमाइंडर कभी भी b के बराबर नहीं हो सकता, और रिमाइंडर हमेशा 0 हो सकता है, रिमाइंडर हमेशा 3 से छोटा होगा, तो 3 से छोटे क्या क्या ऑप्शन है? 0, 1, 2। तो आप ये बताओ a is equals to bq plus r में जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो फर्स्ट केस क्या होगा? केस 1, a will be equal to b की वैल्यू 3 है, ये बन जाएगा 3q plus 0, 0 का कोई रेलेवेंस नहीं है, 3q बन गया। सेकंड केस, केस 2 अगर मैं लो, जब रिमाइंडर 1 है तो ये बन गया 3q plus 1, और जब रिमाइंडर केस 3 व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल टू 2, क्योंकि आप कुछ भी श्योरिटी से नहीं बोल सकते, आप ये नहीं कह सकते रिमाइंडर 0 ही आएगा, 1 भी तो आ सकता है, 2 भी तो आ सकता है। चलिए आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे। तो केस 2 में क्या होगा? केस 2 में होगा व्हेन r इज इक्वल्स टू 1 एंड b इज इक्वल्स टू 2, तो आपका ये क्या बन जाएगा? a बन जाएगा आपका 2q plus 1। ध्यान से देखेंगे, a बन जाएगा 2q plus 1। अब यहां पे आप आएंगे वापस, a अगर 2q plus 1 है, ध्यान से देखेंगे 2q क्या है? इवन नंबर है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एनी नंबर, q इज एनी इंटीजर, q जब भी किसी जब भी 2 से मल्टीप्लाई होगा आंसर हमेशा इवन आएगा। इवन में अगर आप 1 ऐड कर रहे हो आंसर हमेशा ऑड आएगा। तो a इज इक्वल्स टू 2q plus 1 इज एन ऑड इंटीजर, और यही इसने कहा था क्वेश्चन में कि जब भी कोई नंबर, क्वेश्चन ये था शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर, तो हर एक पॉजिटिव इंटीजर या तो फॉर्म का होगा 2q का या होगा 2q plus
जब वो नंबर इवन है, 2q plus 1 तब होगा जब वो नंबर ऑड है। आप ये चीज ध्यान रखेंगे, where q is any integer, where q is any integer, ये चीज आप ध्यान से नोट कर लेंगे, where q is any integer। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप इसको नोट कर लेंगे और ध्यान रखेंगे इसमें जो भी इंटीजर्स है, जैसे मैंने कहा है q is any integer, it is also positive integer, a is also positive integer, ये सारे positive integers की बात चल रही है, तो इसका मतलब q is also greater than equal to 0। चलिए अब आप इसको नोट करेंगे, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन कहता है ए बी एंड सी स्टार्ट साइकिलिंग अराउंड द सर्कुलर पाथ। चलिए पहले मैं एक सर्कुलर पाथ बना देती हूं, दिस इज माय सर्कुलर पाथ। चलिए ए बी सी तीन साइकिलिस्ट हैं जो साइकिलिंग कर रहे हैं अराउंड द सर्कुलर पाथ एट द सेम डायरेक्शन एट सेम टाइम, मतलब उन्होंने सेम टाइम पे शुरू किया और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेट्स से मैं कहती हूं कि ये सपोज यहां से शुरू किया और सेम डायरेक्शन में इस तरफ ये ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट कह रहे हैं सर्कमफेरेंस ऑफ पाथ इज 1980 मीटर, सर्कमफेरेंस ऑफ पाथ मतलब बाउंड्री, ये जो यहां से लेके यहां तक है इसकी पूरी बाउंड्री, इट इज 1980 मीटर, पूरा डिस्टेंस अगर मैं इस पॉइंट से शुरू करूं और वापस इसी पॉइंट पे आऊं इस 1980 मीटर, ठीक है जी। इफ द स्पीड ऑफ ए इज 330 मीटर पर सेकेंड, अगर स्पीड ऑफ ए जो है 330 मीटर पर मिनट, 330 मीटर पर मिनट है, स्पीड ऑफ बी इज 198, बी की स्पीड है 198 मीटर पर मिनट और सी की जो स्पीड है, क्योंकि तीन साइकिलिस्ट थे, सी की स्पीड है 220 मीटर पर मिनट, 220 मीटर पर मिनट। अब आप ध्यान से एक चीज देखेंगे, दिस इज आवर स्पीड, स्पीड ऑफ बी, स्पीड ऑफ सी। अब पूछा क्या है, क्वेश्चन क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ का सर्कमफेरेंस आपको पता है, सर्कमफेरेंस इज लेंथ ऑफ बाउंड्री, सर्कमफेरेंस इज लेंथ ऑफ बाउंड्री, बाउंड्री की लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ बाउंड्री मतलब अगर ये एक कोने से शुरू हुए हैं तो दूसरे कोने तक का डिस्टेंस कितना है, अगर ये यहां से शुरू हुए हैं चलना तो वापस यहां तक पहुंचने का डिस्टेंस कितना है। तो पूछा क्या गया है, एंड दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, वो सेम टाइम पे शुरू करते हैं और सेम पॉइंट से शुरू करते हैं, then after what time interval they will be together at the starting point, कहता अगर वो same time पे same spot से चलना शुरू करते हैं, बताओ वो वापस उसी जगह पे कितने time बाद आएंगे, यही पूछा है, after what time interval they will be together at the starting point, वो starting point में कितने time के बाद वापस मिलेंगे। ध्यान रखेंगे अगर तो इन तीनों की स्पीड सेम होती, आप ये सोच के देखो तीन फ्रेंड्स एक सर्कल में साइकिलिंग कर रहे हैं, अगर उन तीनों की स्पीड सेम होगी तो क्या कभी कोई किसी के पीछे या कोई किसी के आगे होगा, बिल्कुल नहीं होगा, वो तीनों सेम जगह पे चल रहे होंगे। बट अगर उनकी स्पीड डिफरेंट होगी तो कोई सपोज आप यहां से चलना शुरू हुए, एक है जो बहुत तेज साइकिलिंग कर रहा है वो जल्दी पहुंच जाएगा, दूसरा थोड़ा स्लो कर रहा है उसको थोड़ा टाइम लगेगा, तीसरा और स्लो है उसको और टाइम लगेगा। इसका मतलब अगर मैं कहूं ये स्पीड है और ये डिस्टेंस है तो क्या आप टाइम निकाल सकते हो, हां जी बिल्कुल निकाल सकते हैं, अगर आपको स्पीड गिवन है और आपके पास डिस्टेंस भी है तो क्या आप टाइम निकाल सकते हो, जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। देख लेते हैं, स्पीड है 330 मीटर पर सेकेंड पर मिनट और डिस्टेंस है इतना, तो टाइम क्या होगा, टाइम का फॉर्मूला इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, व्हाट इज डिस्टेंस 1980, यही फॉर्मूला होता है अगर आपको टाइम निकालना है, जब आपको स्पीड और डिस्टेंस ऑलरेडी
गिवन होता है. तो स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम, 1980 अपॉन 330. आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ये बन जाएगा 311 6 318 6 318 6. तो ये बन जाएगा 6 मिनट. मतलब जो ए है उसको यहां से यहां पहुंचने में, ए को यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगा, अगर मैं ए की बात करूं 6 मिनट, क्योंकि मैंने डिस्टेंस पूरा लिया है ना, पूरा मतलब यहां से लेके यहां तक एक पॉइंट से पूरा सर्कल का डिस्टेंस लिया है, तो जो टाइम निकलेगा वो भी पूरे सर्कल का निकलेगा. चलिए अब हम टाइम कैलकुलेट करते हैं बी का. अगर मैं बी के टाइम की बात करूं, अगेन टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज 1980 एंड इसकी स्पीड इज 198. तो इसको कितना टाइम लगा, 10 मिनट. मतलब जो बी है, बी को यहां से यहां तक पहुंचने में पूरा 10 मिनट लगता है. अब करते हैं सी की बात. सी को इस पॉइंट से लेके अपने स्टार्टिंग पॉइंट से लेके वापस स्टार्टिंग पॉइंट पहुंचने में जो टाइम लगा, अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1980 अपॉन स्पीड कितना है 220. कैलकुलेट करते हैं 11 8 2 9, इसको लगते हैं 9 मिनट. चलिए तो सी को लगे टोटल 9 मिनट. अब पूछ रहा है कि वापस ये बताओ ये स्टार्टिंग पॉइंट पे सेम टाइम पे कब पहुंचेंगे. क्यों, ऐसा तो होगा नहीं कि ए जो है जिसको 6 मिनट लग रहे हैं यहां से यहां पहुंचने में, अगर ए को 6 मिनट लग रहे हैं इस पॉइंट से वापस इसी पॉइंट पहुंचने में, मतलब ए सबसे फास्ट चल रहा है, जिसको कम टाइम लग रहा है वो सबसे फास्ट है, जिसको सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है वो सबसे स्लोएस्ट है, और जिसको 9 मिनट लग रहा है वो बीच में चल रहा है. इसका मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, आपको यहां से चलना था और आपको वापस यहीं पहुंचना था. पहला इंसान चला, वो जल्दी से 6 मिनट में वापस आ गया. क्या वो रुक जाएगा? नहीं रुकेगा, वो चलता रहेगा, वापस फिर यही मिलेगा, वापस फिर यही आएगा. दूसरा जो बी था उसको 10 मिनट लगे, उसने चलना शुरू किया, वो यहां से यहां तक 10 मिनट में पहुंचा. तीसरा, इसका मतलब कोई भी ऐसा नहीं था जो सेम टाइम पे एंड पॉइंट पे पहुंचा हो. तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, जब आपको ये कैलकुलेट करना है कि आप यहां से चले हो, आप वापस बताओ ये तीनों किस टाइम पे मिले, या ये क्वेश्चन आ जाते हैं, या बेल का क्वेश्चन आ जाता है कि एक बेल, सपोज तीन बेल्स है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. पहले आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे, उसके बाद मैं टाइप बता दूंगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस और कवर होते हैं. जब भी ऐसे क्वेश्चन हो कि तीन लोगों ने एक पॉइंट से साथ में चलना शुरू किया, एक थोड़ा स्लो चल रहा है, दूसरा थोड़ा फास्ट चल रहा है, तो बताओ वो नेक्स्ट टाइम पे एक साथ कब मिलेंगे, एक साथ वो कब वापस इसी पॉइंट पे पहुंचेंगे. तो ऐसे क्वेश्चंस में यू हैव टू कैलकुलेट HCF. क्या कैलकुलेट करना होता है आपको? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है? सपोज मैं कहूं मेरे पास 2 है, 3 है, 5 है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो. सॉरी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सॉरी इट इज LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. क्योंकि ध्यान रखेंगे, अगर मैं कह रही हूं 2 3 5, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, तीन बेल्स हैं, बेल 1 बेल 2 और ये है बेल 3. तीन बेल्स हैं, पहली बेल 2 मिनट के बाद बजती है, दूसरी बेल 3 मिनट के बाद बजती है, और तीसरी बेल 5 मिनट के बाद बजती है. बताओ ये तीनों बेल्स वापस कब साथ में बजेंगी, सोच के बता. अगर मैं कहूं HCF, HCF लास्ट भी मैंने बताया था, ऑलवेज लेस देन द नंबर, ऑलवेज लेस देन द गिवन नंबर. HCF जो होता है वो हमेशा गिवन नंबर से छोटा आता है. तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक बेल पहले 2 मिनट पे बजी, दूसरी 3 मिनट पे बजी? मतलब पहली बार तो वो इकट्ठे बजेंगी, उसके बाद पहली बेल 2 मिनट के बाद बजेगी, दूसरी 3 के बाद बजेगी, और तीसरी 5 के बाद बजेगी. नेक्स्ट बताओ, अगर मैं कहूं पहली बेल जो 2 मिनट के बाद बजेगी है, अगली वो कब बजेगी? 4 मिनट पे. नेक्स्ट वो कब बजेगी? 6 मिनट पे. नेक्स्ट 8, नेक्स्ट 10, नेक्स्ट 12, 14, 16, 18, 20, ऐसे ही वो बजती रहेगी.
ठीक है बिल्कुल सही है, ऐसे ही बजती रहेगी। अब जो बेल 3 मिनट के बाद बजी थी वो नेक्स्ट बताओ कब बजेगी, पहली 3 पे बजी थी जैसे पहली 2 पे बजी थी, पहली 3 पे बजी थी, दूसरी कब बजेगी 6 पे, तीसरी 9, 12, 15, 18, 21, 24 ऐसे ही बजेगी। एक बेल जो 5 मिनट के बाद बजती है इनिशियली तीनों एक साथ ही बजेगी, नेक्स्ट जो 5 मिनट पे बजती है पहली 5 पे बजेगी क्योंकि 0 पे वो बज चुकी है तो नेक्स्ट 5 पे बजेगी, फिर 10, 15, 20, 25, 30, चलो 20 पे अगर मैं 2 वाला कैलकुलेट करूं 20, 22, 24, 26, 28, 30, ये 24 पे, 24 के बाद ये 27, उसके बाद 30, इस तरीके से टोल होंगी। बड़ा सिंपल सा है, 3 बेल्स हैं, पहले एक साथ बजी, उसके बाद मैंने उसका लिखा कि पहली का इंटरवल है 2, पहली की फ्रीक्वेंसी है 2 मिनट, दूसरी की है 3 मिनट, तीसरी की है 5 मिनट। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैं कहूं नहीं ये एचसीएफ होगा, मतलब आंसर छोटा आएगा, कि नहीं अगर ये 2 सेकंड के बाद बज गई तो -2 के बाद बचेगी, ऐसा तो नहीं होगा। इसका मतलब इस केस में आंसर हमेशा बड़ा ही आएगा, और आंसर अगर हमेशा बड़ा आएगा तो यू हैव टू कैलकुलेट एलसीएम। तो बेल्स वाले क्वेश्चन भी ऐसे ही होंगे, और ये वाले क्वेश्चन की 1-3 लोगों ने साथ चलना शुरू किया पर पहले की स्पीड, पहले को ज्यादा टाइम लगता है इनिशियल पॉइंट पहुंचने में, दूसरे को थोड़ा कम लगता है, तीसरे को काफी ज्यादा लगता है, तो बताओ वो नेक्स्ट टाइम इस पॉइंट पे कब वापस मीट करेंगे, ये मीटिंग पॉइंट है, इस पॉइंट पे तीनों कब वापस सेम मिलेंगे। क्या ऐसा हो सकता है वो 6 मिनट से पहले मिल जाए, नहीं, क्योंकि इसको 6 मिनट लग रहे हैं मिनिमम, इसको 10 लग रहे हैं, 6 से पहले तो कभी भी नहीं रुक सकते, तो इसका मतलब व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट इन दीस क्वेश्चंस इज एलसीएम ऑफ जो भी आपसे पूछा गया है। यहाँ पे बेल्स कितने टाइम के बाद टोल करनी है, अब ध्यान से देखेंगे, ये 2 का था जो बेल 2 मिनट के बाद बज रही थी, ये वो था जो बेल 3 मिनट के बाद बज रही थी, ये वो था जो बेल 5 मिनट के बाद बज रही थी। अब आप ध्यान से देखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, अब ये पहली बेल 5 मिनट के बाद बजी, ये तो यहाँ पे कहीं पे भी 5 मिनट के बाद नहीं बज रही, और ना ही ये 5 के बाद बज रही है 10, ये तो 10 पे दोनों मिल जाएंगी साथ में, 10 मिनट पे दोनों साथ में बजेंगी, पर क्या जो 3 मिनट वाली बेल है वो 5 पे बजेगी, बिल्कुल नहीं। अगेन आते 15 पे 2 वाली तो 15 पे नहीं बजेगी क्योंकि वो 2-2 के इंटरवल पे बज रही है, पर कौन सी 15 पे बजेगी, 3 वाली बज जाएगी, बिल्कुल सही है, पर 2 तो नहीं आया, हमको तो तीनों बेल्स को साथ में रिंग करना है। फिर आते 20 पे, 20 वाला बिकॉज इट इज एन इवन नंबर तो ये 2 पे तो आएगा ही आएगा, पर 320 पे नहीं आएगा। 25, ना 3 वाला 25 पे बज रहा है ना 2 वाला बज रहा है। नेक्स्ट आया 30, ये भी बज रहा है, 3 वाला भी 30 पे रिंग हुआ और 3 ये 2 वाला भी 30 पे रिंग हुआ। इसका मतलब ये जो 30 सेकंड्स है आफ्टर 30 सेकंड्स these three bells will ring together, ये bells तीनों 30 seconds के बाद ring करेंगे, इसका मतलब HCF निकालना है, ध्यान से देख लेंगे, 2, 3 और 5 का जो HCF आता, sorry LCM आता है, that is 30, तो आप इन questions में क्या calculate करेंगे, LCM, अब आते हैं इस पे, 6, 10 और 9, 6 की prime factorization करेंगे, 2 into 3, 2 की power 1, 3 की power 1, 9 की prime, 10 की prime factorization करेंगे, 2 into 5, 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 3 की पावर 2, अगेन एलसीएम निकालना है, एलसीएम में सबसे पहले कॉमन ढूंढते हैं, 2 और 2 कॉमन है, हाईएस्ट पावर कितनी है, दोनों की 1 है तो एक बार लिखेंगे, 3 ये यहां भी 3 है यहां भी 3 है, पर छोटी वाली पावर या बड़ी वाली पावर, बड़ी वाली पावर, 3 की पावर 2 into 5 है नहीं तो 5 ही आ जाएगा, 3, 5, 2 जर 10, 3, 3, 9, तो ये आ जाएगा 90 मिनट। मतलब अगर वो 90 मिनट तक साइकिल चलाते रहे तब वो जाके तीनों 90 मिनट 90 मिनट्स के बाद वो सेम पॉइंट पे फिर मिलेंगे, अदरवाइज वो इस पॉइंट पे वापस 90 सेकंड से पहले 90 मिनट से पहले कभी भी नहीं एक पॉइंट पे मिलेंगे। तो ऐसे काफी क्वेश्चंस आते हैं, बेल्स टोल करने का क्वेश्चन आता है,
ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कुछ तीन लोगों ने सेम पॉइंट से भागना शुरू किया है, एक दो मिनट में, एक को 2 मिनट लग रहे हैं, एक को 3 मिनट लग रहे हैं, एक को 4 मिनट लग रहे हैं, बताओ वो नेक्स्ट सेम कब मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में जब आपको पता है आंसर आपके क्वेश्चन में जो फिगर्स दी हैं उनसे बड़ा ही आएगा, यू हैव टू कैलकुलेट द एलसीएम। अगर आपको वैसे नहीं याद रहता कंसेप्ट, तो अब आप इसको नोट करेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7th क्वेश्चन कहता है प्रूव शो दैट 5√3 इज एन इरेशनल नंबर। 5√3 इज एन इरेशनल नंबर। अगेन बिल्कुल वही स्टेटमेंट आपको लिखनी है, लेट 5√3 इज अ रैशनल नंबर। मैं लेट कर लेती हूँ कि 5√3 इरेशनल नहीं है, ये एक रैशनल नंबर है। अगर 5√3 रैशनल नंबर है तो 5√3 इज इक्वल टू पी बाय क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स हैं एंड आर को प्राइम्स, और दूसरा को प्राइम, वेयर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर एंड आर को प्राइम। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, सिर्फ रूट में जो नंबर है वो इस साइड रहेगा, बाकी सब कुछ राइट हैंड साइड चला जाएगा। तो रूट थ्री इधर रहेगा, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके 5 डिवाइड हो जाएगा। ये स्टेप पे आप पहुंच गए। अब आप ध्यान से देखेंगे जो P, Q और 5 है वो सारे रैशनल नंबर्स हैं। नाउ P अपॉन 5Q इज अ रैशनल नंबर, ये हमारा P अपॉन 5Q इज अ रैशनल नंबर, हेंस √3 मस्ट बी, हेंस √3 इज आल्सो अ रैशनल। अगर ये रैशनल है तो ये भी तो रैशनल होना चाहिए, इक्वल का मतलब यही तो है, दोनों बराबर हैं, जो राइट हैंड साइड वाली चीज है वही लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज है। बट इट कॉन्ट्राडिक्ट क्या कॉन्ट्राडिक्ट करता है, इट कॉन्ट्राडिक्ट आर स्टेटमेंट, इट कॉन्ट्राडिक्ट आर स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट या क्या, दैट √5 इज इरेशनल। ये आप सीधा लिख सकते हैं बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल, और क्या लिख सकते हो आप इसकी जगह, वी नो दैट √5 इज इरेशनल, तो सो इट कॉन्ट्राडिक्ट आर अजम्पशन, हमारी अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। हमारी अजम्पशन क्या थी कि ये रैशनल है, देयरफॉर 5√3 इज एन इरेशनल नंबर। मैंने जो मान के चली थी कि ये रैशनल है, अगर जो मैं मान के चली थी वो सही होता तो √3 भी रैशनल निकलता, पर आपको तो पता है √3 इज एन इरेशनल नंबर, तो ये भी इरेशनल होना चाहिए था, पर ये आ गया रैशनल और ये आ गया इरेशनल, दोनों आ गए ऑपोजिट, तो हमारा जो हमने लेट किया था वो बिल्कुल गलत था। हमने लेट किया था ये रैशनल है, अगर ये गलत हो गया तो इसका मतलब ये जो नंबर होगा वो रैशनल होगा या इरेशनल, इरेशनल होगा। चलिए जी, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सर्टेन नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 899 लीव्स द रिमाइंडर 63। कोई एक नंबर है, लेट्स से नंबर इज x, जब ये नंबर x 899 से डिवाइड होता है, यही है ये हमारा डिविडेंड है, ये हमारा डिवाइजर। जब एक नंबर x 899 से डिवाइड होता है तो क्या होता है, लीव्स द रिमाइंडर 63। चलो मैं सिंपलेस्ट केस मान लेती हूं कि जब q को मैं 1 ले लेती हूं, सिंपलेस्ट केस q इज इक्वल टू 1, मैंने लेट कर लिया कि सिंपलेस्ट केस कंसीडर करते हैं q इज इक्वल टू 1, तो रिमाइंडर क्या बचा 63।
तो x when a number is divided by 899 it leaves remainder 63. कोई गलती नहीं है इस केस में, इस क्वेश्चन में मैंने let कर लिया कि let अगर मैं 1 मान लूं 899 into 1 is 899 इस नंबर को जब मैं 899 से डिवाइड करूंगी रिमाइंडर ऑटोमेटिकली 163 ही आएगा. फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 29. कहता है रिमाइंडर निकालो जब सेम नंबर 29 से डिवाइड होता है. चलिए जी अब मैं x निकाल सकती हूँ. हाँ जी बिल्कुल निकाल सकते हैं. 899 प्लस 63 यही तो आ जाएगी x की वैल्यू. फिर से ध्यान से देखेंगे हमने क्या किया. क्वेश्चन था व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 899 जब भी कोई नंबर 899 से डिवाइड होता है वो रिमाइंडर 63 छोड़ता है. बिल्कुल सही बात है. अब वो नंबर मैंने कैसे निकाल लिया. x नंबर को लेट कर लिया. x जब 899 से डिवाइड हो रहा है रिमाइंडर क्या बच रहा है 63. अब नंबर क्या आ गया मेरे पास 899 प्लस 63 व्हिच इज 962. चाहे आप करके देख लो कैसे करके देख लो 962 डिवाइडेड बाय 899. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ऐसा कुछ बनेगा 899 1 से मल्टीप्लाई हुआ 899 प्लस 63 जब बना मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गई और आंसर यही आएगा. तो मैंने सिंपलेस्ट केस लिया था जब 899 इनटू 1. सपोज मैं कहूं कोई भी नंबर जब 4 से डिवाइड होता है रिमाइंडर 2 बचता है. 6 जब भी 4 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर 2 बचा रहा है. बिल्कुल सही. 6 की जगह मैं x ले लूं. एक नंबर जब 4 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर 2 बच रहा है. तो वो कुछ भी हो सकता है. 4 into 1 plus 2 भी हो सकता है. 4 into 2 plus 2 भी हो सकता है. 4 2 is 8 plus 2 10 करके देख लो. 10 divided by 4 रिमाइंडर हमेशा 2 बचेगा. तो मैंने जो क्यों है हमारा quotient है वो मैंने simplest वाले ले लिया. तो अब ये जो नंबर आया 962 अब कह रहे हैं divide this number with 29. 962 को जब आप 29 से डिवाइड करोगे 962 डिवाइडेड बाय 29 तो आपका जो रिमाइंडर बचेगा आप इसको करके देख लोगे तो आपका आंसर बचे आएगा 192 5 बाय 29 तो जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी 33. आप इसको करके देख लो चाहे डिवाइड 962 डिवाइडेड बाय 29 3 87 ये बच गया 992 अगेन 27 3 87 रिमाइंडर क्या बच गया 5. तो आपका जो रिमाइंडर बचेगा दैट विल बी इक्वल टू 5. सिंपलेस्ट केस आपने लेना है. हिट एंड ट्रायल मेथड है. अगर इस क्वेश्चन को ज्यादा कॉम्प्लिकेट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो पर जरूरत नहीं है. जब भी आप ये इस तरीके की अप्रोच तब यूज होती है जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे हैं. कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है, काम बहुत आसान हो जाता है. आपको हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना पड़ेगा. तो ये बेस्ट अप्रोच है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की. चलिए अब चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन पे जो बिल्कुल इसी तरीके से होगा. 9th क्वेश्चन है व्हाट इज रिमाइंडर व्हेन 4 रेज़ टू पावर 96 इज डिवाइडेड बाय 6. रिमाइंडर कब निकालना है व्हेन 4 रेज़ टू पावर 96 इज डिवाइडेड बाय 6. चल यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा जब भी आप किसी नंबर को किसी पावर के साथ डिवाइड करते हो हमेशा एक पैटर्न बनता है. कैसा पैटर्न बनता है देख लेते हैं. सपोज 4 रेस्ट पर 96 है मतलब 4 को 96 टाइम्स लिखो और मल्टीप्लाई करो. बहुत मुश्किल है, इतना नहीं कर सकते. हिट एंड ट्रायल यूज करते हैं. सपोज मैं कहूं 4 रेस्ट पर 1. 4 रेस्ट पर 1 इज नथिंग बट 4. 4 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा. 4 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 4 बचेगा. करके देख लो 4 6 6 0 4 ऐसे ही करते हैं रिमाइंडर 4 बच गया. 4 की पावर 2 पावर की बात हो रही है ना. अभी 4 के
पावर की बात हो रही है, फोर के फैक्टर्स की बात नहीं हो रही, फोर फोर टू जा एट, फोर थ्री जा सिक्स, फोर फोर जा सिक्सटीन, फोर थ्री जा ट्वेल्व, ये नहीं हो रहा, पावर की बात हो रही है। पावर मतलब फोर की पावर वन, फोर की पावर टू, फोर की पावर थ्री। फोर की पावर टू का क्या मतलब है, फोर इंटू फोर विच इज सिक्सटीन, सिक्सटीन डिवाइडेड बाय सिक्स, रिमाइंडर हमेशा फोर आएगा। फोर की पावर थ्री, फोर की पावर थ्री इज फोर इंटू फोर, सिक्सटी फोर, 64 को 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर हमेशा 4 आएगा। 4 की पावर 4, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 16 इंटू 16 इज 256, 256 डिवाइडेड बाय 6, चाहे करके देख लो, 6 4 जा 24, 16, 6 2 जा 12, अगेन रिमाइंडर क्या आया 4। तो ये पैटर्न को देख के आपको समझ आ रहा है कि 4 की जो मर्जी पावर हो, इवन पावर हो, ऑड पावर हो, 4 का रिमाइंडर हमेशा जब भी 6 से डिवाइड करोगे, हर नंबर से नहीं, जब भी 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर हमेशा सेम आएगा, विच इज 4। तो जब भी आप, इसका मतलब जब भी 4 रेस्ट पावर 96 डिवाइडेड बाय 6 है, तो जो आपका रिमाइंडर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 4। तो ये कुछ हिट एंड ट्रायल्स है जो आपको यूज करने पड़ेंगे ताकि आपके क्वेश्चंस काफी जल्दी सॉल्व हो जाए। चलिए अब चलते हैं अपने 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन कह रहा है राइट द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। व्हाट इज स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर? 4। ये शायद हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज 4। एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, व्हाट इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। 2 और 4 का एचसीएफ निकालना है। 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 2 और 2 इज 2 की पावर 1। एचसीएफ में पहले तो कॉमन चीजें देखी जाती हैं। कॉमन क्या है? 2 और 2 दोनों में है। कॉमन में से छोटा वाला कौन सा लेना है? छोटा वाला लेना है 2 की पावर 1 व्हिच इज इक्वल टू 2। तो एचसीएफ ऑफ दिस नंबर इज 2। 11th क्वेश्चन कहता है, आप ये नोट कर लेंगे फिर हम चलते हैं 11th क्वेश्चन पर। इंटू 2 18
तो ये 36 के फैक्टर्स आ गए इनटू 100 को मैं लिख सकती हूँ 2 इनटू 5 इनटू 2 इनटू 5। ये फैक्टराइजेशन करने का थोड़ा सा इजी सा मेथड है कि अगर आपको कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी है और आपको फैक्टर्स पता है तो आप इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हो। जब भी आपको 100 दिखे, 0 दिखे एंड में, तो बेस्ट तरीका है 0 को तो पहले ही अलग कर दो। जैसे मैंने 10 अलग कर दिया, 10 के फैक्टर्स है 2 इनटू 5, तो 100 के क्या हो जाएंगे 2 की बार 2 इनटू 5 की बार 2, क्योंकि 10 का डबल 100 है, 10 का स्क्वायर 100 है, तो 2 और 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2, 1, 2, 3, 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब कह रहा है ये थर्ड नंबर को कैलकुलेट करो, थर्ड नंबर क्या होगा। तो फर्स्ट नंबर के फैक्टर निकल गए 2 रेस्ट पावर 2 इंटू, सॉरी फर्स्ट नंबर के फैक्टर निकल गए 2 रेस्ट पावर 3 इंटू 3 रेस्ट पावर 3 इंटू 5। 3 raised to power 3, 324 के factors, sorry, it's 3 raised to power 31. तो ये बन जाएगा 3 raised to power 4, ये भी बन जाएगा 3 raised to power 4. तो 2 raised to power 3 into 3 raised to power 4 into 5. तो ये पहले number के factors हैं, दूसरे number के factors हैं 2 raised to power 4 into 3 raised to power 2 into 5 raised to power 2. और third number आपको calculate करना है और HCF given है 36. 36 को मैं लिख सकती हूँ, 36 की फैक्टराइजेशन है 2 रेस पावर 2 इनटू 3 रेस पावर 3। अब आपको थर्ड नंबर कैलकुलेट करना है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने HCF पे आते हैं। HCF क्या है हमारा, 2 रेस पावर 2 इनटू 3 रेस पावर 3। हमने पढ़ा है HCF हमेशा कॉमन होता है, कॉमन मतलब तीनों में होना चाहिए तभी वो HCF बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। HCF इज ऑलवेज कॉमन, तीनों में होना चाहिए तभी वो HCF बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अगर वो तीनों में नहीं है तो HCF नहीं बनेगा। तो इसका मतलब 2 raised to power 2 into 3 raised to power 2 यहां पे आता है। क्या इसमें 2 raised to power 2 है? हां जी बिल्कुल है, एक एक्स्ट्रा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपको। एक्स्ट्रा नहीं, आपको वो देखना है कि मिनिमम चीज है या नहीं। 2 raised to power 2, 3 raised to power 3 है, ये भी है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं, दूसरे नंबर में क्या 2 raised to power 2 into 3 raised to power 3 है, 2 raised to power 4 है, तो क्या 2 raised to power 2 होगा? Automatically होगा 3 की power 3। यहाँ पे it's not 3 की power 3, it's 3 की power 2। 3 की power 2 है, हाँ जी बिल्कुल है। तो इसमें और इसमें HCF के दोनों numbers आ गए। अब third में नहीं आए, तो third में नहीं आए इसका मतलब third जो number होगा उसमें पक्का HCF के ये numbers तो include होंगे ही होंगे। अगर ये नंबर्स इंक्लूड ना हुए तो हमारा HCF बनेगा ही नहीं। चलिए HCF की तो बात हो गई, अब आते हैं LCM में। LCM में आपको पता है कॉमन वाला जो होता है वो ग्रेटर वाला निकलता है। अगर कॉमन है तो उसमें से छोटा लेंगे या ग्रेटर वाला लेंगे, बड़ा वाला लेंगे। और जो कॉमन नहीं है, नॉट कॉमन वाले हम सारे इंक्लूड कर लेते हैं, नॉट कॉमन वाले भी हम सारे इंक्लूड कर लेते हैं। कॉमन में ग्रेटर वाला और नॉट कॉमन वाले भी हम सारे इंक्लूड कर लेते हैं। चलिए जी अब देखते हैं, अब आते हैं LCM पे। LCM में 2 की पावर 4, यहां पे कहीं 2 की पावर 4 नजर आ रही है, इसमें है। तो अगर LCM है, LCM का कॉमन से कोई लेना देना नहीं है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 है, ठीक है। ये तो LCM ने इधर से ही फॉलो कर लिया, क्योंकि अगर कॉमन होता तो मेरे को हर किसी में 2 की पावर 4 डालना होता, पर LCM में कॉमन वाला नहीं है, उसमें तो नॉट कॉमन वाले भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो हम मैं ये मान लेती हूं कि 2 की पावर 4 इसमें है, तो आपको यहां पे या यहां पे वो ढूंढने की जरूरत नहीं है। चलिए 3 की पावर 5, क्या यहां पे 3 की पावर 5 है? नहीं, यहां पे तो 3 की पावर 4 है। अच्छा फिर यहां पे होगी, यहां पे है 3 की पावर 5? नहीं जी बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब ये तो हमने HCF से रिजल्ट निकाला था, अब आते हैं LCM पे। अगर 3 की पावर 5 LCM में है बट जो दो नंबर्स हैं उसमें नहीं मिल रही, इसका मतलब वो तीसरे नंबर से ही HCF आया होगा। तो HCF का 3 की पावर 5 आ गया, ठीक है जी। 5 की पावर 2, क्या यहां पे 5 की पावर 2? यहां पे 5 की पावर 1 है, यहां पे 5 की पावर 2 है, चलो 5 की पावर 2 भी मिल गई आपको, देखना नहीं है। 7 की पावर 2, क्या यहां पे 7 है? नहीं है। क्या यहां पे 7 है? नहीं है। इसका मतलब ये जो 7 की पावर 2 होगी ये
तीसरे नंबर में होगी क्योंकि ये पहले और दूसरे नंबर में नहीं है, ये चीज समझनी है। अब ध्यान से देखेंगे, एचसीएफ से आंसर निकला 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 का। क्या यहाँ पे 2 की कोई पावर है? नहीं है, तो हम इन दोनों में से चूज कर लेंगे 2 की पावर 2। यहाँ पे 3 की पावर 2 है और यहाँ पे 3 की पावर 5 है। ग्रेटेस्ट कौन सी है, 3 की पावर 2 या 3 रेस्ट पावर 5? 3 रेस्ट पावर 5। ये हमने आंसर ये सोच के निकाला था एचसीएफ को देख के, और ये आंसर हमने एलसीएम को देख के निकाला था, पर दोनों में से भी आपको ग्रेटर वाला रखना है। तो 2 की पावर 2 इंटू 3 रेस्ट पावर 5। क्या यहाँ पे 7 है? नहीं है, पर यहाँ पे है तो आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा। तो थर्ड नंबर जो आपका बना वो होगा, थर्ड नंबर विल बी इक्वल टू 2 रेस्ट पावर 2 इंटू 3 रेस्ट पावर 5 इंटू 7 रेस्ट पावर 2। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से करेंगे ताकि जब भी आपके ऐसे क्वेश्चंस आए पेपर में तो आप उसको बड़े इजीली सॉल्व कर लें। चलिए अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन कहता है, आप उसको अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 3 प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। 12th क्वेश्चन इज रूट 3 प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। देखो इसको प्रूव करने के दो तरीके हैं। पहला, आप रूट 3 को इरेशनल प्रूव कर दो, रूट 2 को भी इरेशनल प्रूव कर दो। और आपने पढ़ा है इरेशनल प्लस इरेशनल हमेशा इरेशनल नंबर ही निकलता है। पहला तरीका तो ये है, फर्स्ट मेथड। अब सेकंड पे आते हैं, क्योंकि ये एक शॉर्ट मेथड है तो शॉर्ट के लिए हम भी कोई शॉर्ट सा तरीका ढूंढ लेते हैं। चलिए इसका तरीका क्या है, मैं मान लेती हूं लेट रूट 3 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू आर। मैंने कोई नंबर आर के इक्वल इसको ले लिया, आर कुछ भी हो सकता है, ये इन दोनों का सम विल बी इक्वल टू आर। और आर क्या है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हमने मैंने लेट कर लिया है तो ये इरेशनल प्रूफ करना था, मैंने लेट कर लिया कि ये एक रैशनल नंबर है और इसका सम भी रैशनल बन रहा है। अब हम करते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। मैंने स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया, उससे क्या हुआ, रूट 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 रूट 3 इंटू रूट 2 इज नथिंग बट 2 रूट 6। याद रखना रूट 3 इंटू रूट 2 इज रूट 6। रूट के अंदर जो नंबर होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 3 प्लस 2 5 प्लस 2 रूट 6 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 5 इधर चला जाएगा, ये बन जाएगा 2 रूट 6 इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 5। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं 2 को राइट हैंड साइड पे लेके जाऊं तो 2 क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा। ये बन जाएगा रूट 6 इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 5 बाय 2। अब आप ध्यान से एक चीज नोट करेंगे, आर इज रैशनल नंबर, 5 इज रैशनल, 2 इज रैशनल। तो जो आपकी नाउ राइट हैंड साइड इज अ रैशनल नंबर, जो राइट हैंड साइड है वो रैशनल नंबर है, बट जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, बट जो आपका रूट 6 है, दैट इज इरेशनल, बट रूट 6 इज इरेशनल, व्हिच कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन। हमने अज्यूम क्या किया था कि ये कैसा नंबर होगा, रैशनल होगा तो पूरा का पूरा रैशनल बनना चाहिए, पर हुआ क्या, राइट साइड रैशनल बन गई और लेफ्ट साइड इरेशनल बन गई, बट व्हिच कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन। Which contradict our assumption? So, root 3 plus root 2 is an irrational number. तो ये थे हमारे short answer type questions. Question हमने जो अभी तक किए हैं, इनके जैसे ही काफी questions आते हैं, आपको चीजों को समझना है और उसको और जगह और questions में apply करने की कोशिश करनी है। तो आप ये क्वेश्चंस पहले खुद प्रैक्टिस कर देंगे, अगर आप कर चुके हैं बहुत अच्छी बात है, आप सॉल्यूशन देखें और
उसके बाद जो आपको क्वेश्चन नहीं समझ आया आप उसको बार बार करने की कोशिश करें, हर क्वेश्चन को बार बार करने की कोशिश करें जब तक आपको वो अच्छी तरह से समझ ना आ जाए, और जब आप उसके जैसे बाकी क्वेश्चंस खुद ना कर पाए तब तक आप उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते रहें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जिसमें काफी क्वेश्चंस है जो सीबीएसई जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में वो सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। थैंक यू।